आज हमारे बाजू फ्रूट खा ओ इन्होंने खत्म कर दिया। छोटा था पीस। ओ देख रहे कैसे मुंडी मार रहा है। वाह खत्म कर दिया। तेज लगा हुआ ये तो। पसंद चीटे कहाँ तक मार दी देखना। मेरे मुंह पे बजा। बाजू हैव सम सेंस। बेटा तमीज से खाओ। ये इससे खाया नहीं जा रहा क्या? ये उससे। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और अभी आज ना थोड़ी आपको मेरी हालत और बाल थोड़े बिखरे बिखरे लग सकते हैं क्योंकि सुबह से घर पे चल रही है सफाई। और जिस दिन ये सफाई होती है ना, मतलब ऐसे डीप वाली क्लीनिंग, तो उस दिन तो हाल बहुत ख़राब होता है। और ब्रेकफास्ट में भी ना हम काफ़ी लेट हो गए हैं। अभी कुछ खास दिखाने को है नहीं है मेरे पास से। मैंने सोचा था कि मैं थोड़े टाइम बाद ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, पर फिर काफ़ी टाइम हो गया तो मैंने सोचा चलो कर देती हूँ। तो आपको फ़िलहाल ब्रेकफास्ट बताती हूँ। और ये जतिंदर, ये हमने ब्रेकफास्ट में आज कुछ खास नहीं बनाया है। एग बॉइल्ड है और ब्रेड है पीनट बटर के साथ, और हमारा बनाना शेक। मैं बोलने लगी थी मैंगो शेक। मतलब मेरे को ना शेक में अगर पसंद है तो सिर्फ मैंगो शेक। हम ना यहाँ पे मोहाली में 7 फेस में, अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो, हम 7 फेस स्पेशल में शेक पीने जाती थी। मैंगो शेक, बनाना शेक मेरे को मतलब ठीक है ऐसे पी लेती हूँ, बट जो अच्छा लगता है ना वो है मैंगो शेक। और उसमें वो डाल के देते हैं आइसक्रीम और मस्त मस्त चीज़ें। क्या मज़ा आता है ना यार मैंगो शेक पीने का। ये वाले पौधों में नॉर्मली तो कहते 5-6 दिन में पानी डालो, पर आजकल जितनी गर्मी है ना इनमें तो रोज़ पानी डालना पड़ता है। इसकी तो सारी पत्तियां ही झड़ गई और समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्यों, खुद से गिरी जा रही हैं। ओह ये तो रह ही गया, इसको कैसे भूल गए। काफ़ी इतना है। मेरे साथ ना एक कलोल हो गया जतिंदर। ये पकड़ो बॉटल। मैं उधर खड़ी थी ना खिड़की के पास, और हुआ यूँ बाहर जा रहा था, उधर एरोप्लेन जा रहा था, और वो जा रहा था थोड़ा ऐसे टेढ़ा होके। मैंने सोचा मैं रोज़ यहाँ खड़े होके वो ईगल देखती थी, मैं आज इतनी बड़ी ईगल आई। मैं उसको समझ ही नहीं पाई थोड़ी देर के लिए। फिर समझ आया नहीं यार ये तो प्लेन था। दिमाग प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है क्या। मैं और जतिंदर ना इतने दिन से ऐसे हो रखे हैं कि मतलब हमें घूमने जाने का बहुत मन कर रहा है, पर अभी हो नहीं पा रहा। बस एक बार जो मेरी ड्रेसिंग हो रखी है फाइनल, जतिंदर कहते वो निकल जाए, और उसके बाद मतलब पूछ के कंफर्म करके डॉक्टर से। वैसे इतना कुछ होने तो नहीं वाला है, 1 महीने से ऊपर हो गया है ना। हाँ। तो फिर हम जा सकते हैं, मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे पर बहुत जल्दी सोचेंगे। अंदर से ना ऐसे 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 हो रहा है कि कब जाएं है ना। मेरे को तो ऐसे होता है कि अब भी निकल जाऊं। जब कभी ऐसे सोचती हूँ ना कि अब भी निकल जाऊं फिर मैं और जतिंदर वैसे चले जाते हैं बाहर गाड़ी लेके, थोड़ा टहल के आ जाते हैं। कल परसों हम बाहर गए थे ऐसे, रात को चले गए, तो आते हुए जतिंदर कहते चलो अब मतलब चल अब चलें घर। तो मैं बोला चलो, फ़र्क वैसे कुछ पड़ता नहीं क्योंकि कहते अब तो थोड़ा फ़र्क पड़ गया होगा तेरे को, थोड़ा घूम के आ गए। मैं बोला फ़र्क तो पता नहीं पड़ा नहीं पड़ा। अब मेरे को ऐसे हो रहा कि अब नहीं जाना घर, अब यहीं से निकल जाओ घूमने। अब और ज़्यादा हो गया, आपने छेड़ दिया उस चीज़ को घुमा के। तो थोड़े कल्पे हुए बैठे हैं। लाइफ में बड़ा कुछ सोचना, देखना, एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली है। मतलब आपको देख के शायद लगता होगा कि ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है सारी चीज़ें मैनेज करना। तो बस वक्त के मारे बैठे हुए हैं, जब मौका मिलेगा तब जाएंगे। मतलब वही बात, जल्दी करेंगे, छोटा मोटा तो जल्दी करेंगे। मतलब पास में जाएंगे कहीं, थोड़ा ऐसे माइंड अपना चेंज करने के लिए भी, और थोड़ी तसल्ली मिल जाए। रिजुविनेशन वाला ट्रिप रहेगा, मतलब आपको रिवाइव करने के लिए जस्ट अ काइंड ऑफ स्टे, ताकि हम 2-3 दिन 4 दिन कहीं स्पेंड करें और फिर वापस आ जाए। और उसके बाद जाएंगे। हाँ, ट्रैवलिंग नहीं, मतलब ऐसे वाला कि जस्ट कहीं जाके ऐसी जगह फिर स्टे करके फिर वैसे आएंगे। देखेंगे माइट बी नेक्स्ट वीक। मैंने अभी रियलाइज़ किया यार मैं कैसे ऐसे नहीं लग रही हूँ चंपू सी। ठीक लग रही हूँ जतिंदर को, मैं हमेशा ठीक लगती हूँ। या तो इनको मैं बहुत ही अच्छी लगती हूँ, या तो फिर ऐसे वाला कि यार ठीक है, ऐसे कि देखा भी नहीं कि नहीं ठीक लग रही है। कौन से वाला ठीक था ये आज अपना ब्रेकफास्ट लेट हुआ है तो लंच का टाइम हो गया है, बट भूख नहीं लग रही है वैसे वाली। सोच रहे कर तो वैसे उठपटांग की हरकत लगे हैं हम अभी करने लगे हैं, क्योंकि ये जतिंदर की चॉइस थी। उन्होंने ही स्पेशली बड़ी एक्साइटमेंट से ना एक फ़िश मंगवाई थी लिशियस से, तो सुबह आई वो 9-10 बजे के आसपास। सो आई थॉट कि वो हम बनाएंगे शाम को, बट जतिंदर कहते हैं कि अभी फ़िश खाते हैं, क्योंकि वो 4 ही तो पीस हैं उसके, तो अभी फ़िश खा लेते हैं बाद में देखेंगे। अभी पता नहीं, पर फ़िश बनाने लगी हूँ। फ़िश पहले मैं निकालूँ। ये तो हमने फर्स्ट टाइम ही ट्राई करा है लिशियस से। 248 ग्राम और ये पड़ी है हमें 250 की ही। तो ये हम वैसे बनाएंगे तवा फ्राई। 4 पीस हैं इसके, ऐसे आई है पैकेट में। क्या बात है। हेलो, मच्छी फ्राई करनी है कि मच्छी को पपिया करनी है? ये बंदी तैयार हो रही है फिश फ्राई करने के लिए यार, मतलब हद है। पहले इसने जूड़ा कर रखा था, वो खोला, फिर बाल कंघी किए, फिर ये चोटी करी और फिर लिपस्टिक लगा रही। अभी ये करने वाली है जो मैं दिखाता हूँ ये क्या करने वाली जाके। ये प्रॉब्लम थी, आप नहीं समझोगे। पहली चीज तो मैंने ये चोटी क्यों बनाई, क्योंकि मेरे को ना बड़ी इरिटेशन हो रही थी। किससे? जूड़े से कि मेरे से? लेट में मैं भी और पिन्ने लगाई थी, मैंने ऐसे खोल दी। मेरे को ना बाल बांधना नहीं पसंद, मन तो कर रहा था कि खुले रखूँ, पर फिर मैंने सोचा यार खुले रख नहीं सकते, खराब होंगे, ढीले से चोटी बना दी। और ये लिपस्टिक क्यों लगाई है ये भी बताती, क्योंकि सारे लिप्स तो मैंने ऐसे खा लिए हैं, तो बहुत ऐसे गंदे से दिख रहे थे और ऐसे ड्राई हो रहे थे, तो मैंने इसलिए लगाई। अब वो दिखेगा नहीं ना। अब करते हैं फिश फ्राई। यार हद होती मतलब किसी चीज की ना। लेट्स फ्राई द फिश। चलो। मैंने बोला आपने इतने से मंगवाई है, तो ये चलती ना कि बंदा मतलब ऐसे मन करता ना खाओ ये खाना, तो अपने हिसाब से बनाए। तो कहते नहीं, यूट्यूब पे मेरे को दिखा दी वीडियोस, कहते 4 मसाले तो डालने हैं, तू बना ले इसको। मैं फिर आप एक काम करो, आप डालो 4 मसाले और आप बनाओ। कहते मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना कि मैंने कहीं खराब कर दी फिश, वैसे इतने की आई है ये। इसमें सबसे ज़्यादा टेस्टी पार्ट मुझे गार्लिक ही लगने वाला है। पता नहीं तभी तो मैंने डाला है, क्योंकि आपको अच्छा लगता है ना ये। हमने एक बार ना गार्लिक पनीर बनाया था, प्रिया दोबारा नहीं बनाया हमने वैसा वाला। वो बनाया दोबारा बनाया था पर बना नहीं पता नहीं, खुद की रेसिपी भूल गई। एक दो ने इसमें नींबू के बीज थे, अब वो लहसुन के नींबू के जैसे लग रहे हैं। एक तो यहाँ रह गया, एक मेरे को लगता है मैंने डाल दिया साथ में। चलो कोई नहीं। इस जो वीडियो हमने देखी थी ना, उसमें ऐसे मैरिनेशन के बाद लगाया था ऑलिव ऑयल, पर फ्राई उन्होंने बटर में ही किया था। तो मैंने ऑलिव ऑयल की जगह लगाया रिफाइंड। और रिफाइंड हमारा ये वाला ना ज़्यादा, ये वो है मतलब फ्राई किया हुआ है ना रिफाइंड, वही डाल। हां वैसे भी फ्राई हो जाएगा, तो वैसे भी फ्राई हो जाएगा, कोई नहीं। देख हां चिमनी ऑयल। तो यार चिमनी से याद है, चिमनी की कंडीशन बहुत ही बुरी है यार। ये अंदर दिखाओ नीचे वाला, तो ये बात और मेरे को अब लग रहा है कि वाकई में चिमनी कुछ काम करती है। ये देखो ऐसे ऑयल ड्रॉप्स है। अगर वो लीक होकर इतना नीचे है तो सोचो अंदर पूरा कितना आएगा सिस्टम। फिश बनके तैयार हो चुकी है और पूरी ऐसे रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने इसको रखा है। सैलेड के साथ चटनी एंड फिश। ये वैसे तो अच्छी पक गई, बहुत जल्दी बन गई यार ये। चलो टेस्ट करके बताओ जतिंदर। मास्टर शेफ चल रहा है ये, पूरे ऐसे फ्लेवर्स ले रहे हो पहले, साथ साथ में बताओ क्या क्या चीज़ें। अच्छा टेस्ट करना और बताना जो पहचान में आएगा। और मुझे अजवाइन दिख रही है, दिख रही है, टेस्ट में नहीं आ रही पर दिख रही है। देख के निकाल रहे इंग्रेडिएंट। चलो आप हुए फेल और मैं हुई पास। कैसा बना? बहुत टेस्टी है, अच्छा लग रहा है। चलो इससे पहले तुम सब खा जाओ। मैं आज कपड़े धो रही थी मशीन में और ये देखो साथ में ही डाल दिया ये ना। चादर मैंने धोई और उसमें लपेट के इसी में डाल दिया और अब ये नहीं पता कि ये चलेंगे या नहीं चलेंगे। ओह शिट, ये तो नहीं चलने वाले, अब खराब हो गए। क्या लगता है चलेंगे? अब ये चलने तो नहीं चाहिए, शायद चलेंगे। देख के अच्छे लग रहे हैं पर पता नहीं। करो ऑन करो, चार्ज तो होंगे ही। ऑन तो हो गए, ऑन हो गए। रहने दो यार, बंद ही करो। क्या बात है, बाद में चला के देखते हैं, है ना। कब रह गए हेडफोन? मैंने ऐसे लपेट दी थी ना, आपने बोला कि मिट्टी नहीं गिरे, तो मैंने साले धीरे धीरे उठा के सारी लपेट की उसमें। अभी मैं चद्दर निकालने लगी, यार ये ईयरफोन्स कहाँ से आए? मैं उसको वैसे लपेट के लाई थी चद्दर को और ऐसे धीरे से डाल दी मशीन में। नुकसान करवा दिया 1500 को। ये ईयरफोन्स चला के देखें, ये चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? ये कनेक्टेड देखना कितने साफ हो गए, पहले गंदे हो गए थे। जल रही है लाइट। हो गया आपसे कनेक्ट? अभी गाने चलाना कोई। क्या बात है यार, ये तो बड़ी मस्त टेस्टिंग करी है मैंने। आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, ऐसे क्रिस्टल क्लियर जैसी आती थी और वैसे के वैसे निकले हैं। ये ऑफ हो रहे, पहले ऑफ नहीं हो रहे थे, इशू आ रहा था। ऑफ रुको करके देखती हूँ। हाँ अरे वाह क्या बात है। अरे पहले नहीं चल रही थी ये। मतलब आप सोचो, इसको मैंने वॉशिंग मशीन में पूरे 50 to 55 मिनट्स धोया है और वॉशिंग मशीन में कैसे चला होगा, ऐसे पूरा घूम घुमा के पहले साबुन में फिर पानी में फिर ये सूखा होगा। ये मेरे को लग रहा है जब वॉशिंग मशीन में कपड़े सूखे हैं तभी सूख गया है। तो आप लोग अपने ईयरफोन्स को नेक्स्ट टाइम वॉशिंग मशीन में धो सकते हो, इट्स सेफ। जब जतिंदर पंजाब का मैच देखता है ना, पंजाब हार जाता है। मतलब पहले तो पंजाब का ये रिकॉर्ड था कि मतलब यहाँ पे मोहाली में जब मैच होता है तो तब तक तो हमेशा ही हार रहा था, बट इस बार मैच बाहर था, फिर भी जतिंदर की बदौलत वो मैच हार गए। क्योंकि जतिंदर ने, मैं तो जतिंदर को कह रही, जतिंदर उठ जाओ हार गए। एक वर्ड है जतिंदर, बोलो प्लीज। वल्नरेबल तो बोला जा रहा है, वल्नरेबिलिटीज। अब सही बोला, वल्नरेबिलिटीज। तूने बोल दिया ना एक बार, तो दिमाग में फंस गया था। इसमें ऐसे पढ़ता तो शायद सही हो जाता एक बार। बोलो आप, बोलो वल्नरेबिलिटीज। वल्नरेबिलिटीज। कुछ वर्ड्स तो बोले नहीं बोले जाते। वल्नरेबल टाइप करके कितना बुरा हाल होगा, बोले नहीं बोले जा रहे हैं वल्नरेबिलिटीज। हाँ, कुछ वर्ड्स तो कभी कभी ऐसे लगता है दिमाग से बिल्कुल गायब हो जाते हैं कि अच्छा ये कभी था भी, सुना भी था। वल्नरेबिलिटीज। मस्त हवा चल रही है, नज़ारे आ रहे हैं। अंदर जाने का मन नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये चद्दर एक ले आते हैं, इधर पार्क में सो जाएंगे दोनों जोड़ के। आपको मच्छरदानी लेनी पड़ेगी साथ में। अभी देख बैठे हुए 2 मिनट नहीं हुए और मच्छर घूमने भी लग गए। ले लेनी चाहिए और लगाने वाली नहीं, लगाने का झंझट नहीं करना। हाँ, ऐसे ऊपर उड़ के सो जाना। बहुत ही भाई आता आइडिया था तुम्हारा। मस्त हवा चल रही है। मेरे पास एक क्वेश्चन था आपके लिए। मेरे लिए नहीं, वैसे था माइंड में कि हम जो ये मतलब हम ना डेली वॉक करने आते हैं, मैं और जतिंदर रात को कोशिश करते हैं कि आ ही जाएं। तो व्हाट डू यू थिंक कि इस वॉक से कुछ फ़र्क पड़ता होगा? कुछ तो पड़ता ही होगा। मैं तेरे को एक बात बताऊँ, हेल्थ वेल्थ का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी ताज़ी जो खाना भी खाया होता है वो भी पच जाता है। और वो पच जाता है, थोड़ी फ्रेश एयर लेनी चाहिए। मतलब हम सारा दिन घर से बाहर नहीं निकलते, हम सिर्फ आधा घंटा वॉक करते हैं। बट आजकल तो अच्छा ही लगता है कि मौसम ठीक है बाहर, अंदर तो गर्मी हो गई है। और जब हम नीचे आए ना, मेरे को याद आया कि मैंने अपना व्लॉग एंड ही नहीं किया, तो मैं सोचा चलो यहीं पर एंड कर लेते हैं। तो करते हैं एंड इस व्लॉग को। और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ये देखो बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनी हुई है, इधर बड़ों के खेलने के लिए, जिसमें कि सिर्फ एक बैडमिंटन खेलने के लिए, नथिंग एल्स। जो भी है यार, हवा मस्त आ रही है ना, मस्त जगह है। चलो करते हैं थोड़ी देर एंजॉय, फिर चलते हैं ऊपर, पढ़ेंगे जाके कुछ।